हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट कोड्स। आज हम सीखने वाले हैं स्काडा के अंदर इंटेल सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और एक एग्जांपल देखने वाले। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। फाइल में जाके नाम लिख देना है, हो गया करना, हो गया हमारा और बाद में हमारी हो गई एप्लीकेशन। ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। इस विंडोज में जाके राइट क्लिक, एक न्यू विंडो खोले लेनी है। यहाँ से मैं भी क्लिक कर देता हूँ, विंडो का नाम में ये हमारी विंडो का नाम, बाद में मैं पीपीटी कर देता हूँ और ये विंडो की साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि काम करने में अच्छा लगे। विजार्ड में जाके एक स्विच ले लेता हूँ, ना एक प्रोग्राम करना है इसलिए, और एक लाइट ले लेता हूँ साइमल्टेनियस ये हमारा हो गई एक नन्ही सी एप्लीकेशन, एक स्विच और एक लाइट। नाम दे देता हूँ दोनों को, इस पर ये हमारी स्विच हो गई, ये हो गई हमारी लाइट का नाम। बड़ा कर देता हूँ अच्छी तरह से दिखे। अब हम क्या करने वाले हैं, स्विच में टैग जो कि मेमोरी टैग हो गया, मेमोरी डिस्क्रिप्टर सेव और क्लोज। राइट को भी वही टैग देना है जो हमने स्विच को दिया। हो गया हमारी लाइट और स्विच दोनों कनेक्टेड टैग के साथ। तो हम उसको रन मोड में जाके चेक करते हैं ये प्रोग्राम सही है या नहीं। हमारी स्विच ऑफ है तो लाइट भी ऑफ, स्विच ऑन की एप्लीकेशन स्विच दे देता सेव मेमोरी डिस्क क्लोज, फिर से दूसरी लाइन ले लेता हूँ। देता हूँ स्विच का, बाद में रन टाइम में जाके उसको भी चेक करता हूँ। ये हमारी लाइट वन और ऑफ की स्विच हो रही है और हमारी स्विच टू से लाइट वन ऑन ऑफ हो रही है। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम स्काडा के अंदर। बाद में हम क्या करेंगे, एंड और नो गेट सभी के लिए ऐसे दो स्विच लेंगे और एक आउटपुट के साथ हम उसको चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है। बाद में हम पीएलसी में मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।